तो हे नमस्कार दोस्तों, कैसी है पब्लिक। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी सारी व्यूअर जितने भी जनता है बहुत खुश होगी। लॉरियस लैब शेयर का बारे में कल डिस्कशन करा था और एग्जैक्टली आज मार्केट वैसा ही मोमेंटम दिया है, सारे टारगेट्स हिट कर रहे हैं। छोटा छोटा स्टॉप लॉस दिया था मैंने, 2 रुपए का आसपास स्टॉप लॉस हम लोग का आज बनता हुआ आया है और टारगेट देख सकते हैं 13 रुपए के टारगेट बुक करें। और स्टॉक ने आज हम लोग को 6% की तेजी दिखाई है। कितने परसेंट की? 6% की। हम लोगों ने सारी कल की वीडियो में डिस्कशन करा था लॉरियस लैब के ऊपर। तो अगर आप लोगों ने कल की, आप लोग को बिलीव नहीं हो रहा है, हम लोग की कल की वीडियो देखिए जाके, उसमें एग्जैक्टली सारे लेवल्स हम लोग कल डिस्कशन करके गए थे। ओके सो फिलहाल जो नए व्यूअर्स हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग मेरी पुरानी वीडियो मेरे चैनल विजिट करिए, चैनल को थोड़ा एनालाइज करिए। हम लोग डेली हर स्टॉक में जो भी मोमेंटम आने वाला होता है, कोई भी बढ़िया लेवल ब्रेकआउट हो रहा होता है, उसके ऊपर वीडियो जरूर लाते हैं स्टॉक के ऊपर। ओके तो देखिए कल के दिन हम लोगों ने लॉरियस लैब डिस्कशन करा था क्या लेवल्स और टारगेट्स हम लोग को ध्यान देने हैं। एग्जैक्टली मार्केट ने आज वैसे ही परफॉर्मेंस दिया है। अब बात करने वाले हम लोग नेक्स्ट क्या परफॉर्मेंस रह सकता है लॉरियस लैब। ओके भाई देखो आज के दिन तो सबने प्रॉफिट बुक करा होगा। पहले मैं थोड़ा लॉजिक समझाता हूँ हम लोगों ने ट्रेड यहाँ पे क्या लॉजिक के साथ ली थी। देखो कल के दिन मैंने बोला था अगर ये जो रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर स्टॉक अपने आप को सस्टेन करता है, हम लोग बाइंग साइड के लिए जाने वाले हैं और 330 तक का टारगेट रखने वाले। ठीक, एग्जैक्टली मार्केट ने फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल अब डोजी बनाई, हम लोगों ने डोजी को मार करा हाई और लो। ओके डोजी का जैसे ही हाई ब्रेकआउट दिया, क्लोजिंग दी इसके ऊपर, हम लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी थी। स्टॉप लॉस हम लोग का डोजी का लो स्टॉप लॉस था 2 रुपए का और टारगेट हम लोग का 300 रुपए तक के थे, 330 रुपए तक का, सारे टारगेट हिट हो गए। अब कल के लेवल्स क्या होने वाले हैं वो बात करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का जो पुराना रेजिस्टेंस एरिया जो ये था, जो टारगेट था, अब हम लोग का ये कैसा एक्ट करेगा एज एन सपोर्ट। और मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव दे चुका है। अब एक बड़े ट्रेंडिंग मूव के बाद मार्केट को क्या चाहिए होता है? रेस्ट चाहिए होता है। तो रेस्ट लेने के लिए मार्केट वापस यहाँ रिट्रेसमेंट करने आएगा और 1-2 दिन ये स्टॉक यहीं पे कंसोलिडेट करता हुआ निकाल देगा। ओके जब तक ये कंसोलिडेट करेगा तब तक हम लोग कोई फ्रेश बाइंग नहीं करने वाले। ओके और कंसोलिडेशन मूव की रेंज रेजिस्टेंस एरिया क्या निकलने के आने वाला है 336 रुपए का। जब तक 336 के ऊपर वापस से ब्रेकआउट नहीं देता हम लोग फ्रेश बाइंग नहीं करने वाले। सेलिंग कब करेंगे हम लोग स्टॉक में? 330 के नीचे। जैसे एक बार ये स्टॉक 330 डाउन साइड से वापस ब्रेकडाउन देता है, अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन वापस नीचे जाता है, हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी कोशिश कर सकते हैं, बट अभी कुछ नहीं करने वाले बिकॉज स्टॉक ट्रेंडिंग मोमेंटम दे चुका है आज 6% का। और कोई भी स्टॉक इतना बड़ा मोमेंटम के बाद वो पूरा पूरा साइडवेज रह जाता है, 1 हफ्ते तक तो रह ही जाता है ज्यादातर। अब देखते हैं ये स्टॉक क्या करता है, साइडवेज रहता है या मोमेंटम देता है। फिलहाल कल के लेवल्स और टारगेट्स क्या ध्यान देना है? अबव साइड का 336 लेवल पर ध्यान देना है, डाउन साइड का 330 का। अगर ये कुछ निकालने की कोशिश करता है तभी हम लोग कुछ फ्रेश ट्रेड करेंगे, और मैं कल के दिन कोशिश करूंगा अगर ये निकालता है तभी मैं लाइव आऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं डेली लाइव आके आप लोग से ट्रेड करूं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं सोच रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, देखिए बैंक निफ्टी निफ्टी के ऊपर हर कोई लाइव चलाता है, हम लोग के चैनल पे क्या कोई ट्राई करें हम लोग स्टॉक्स के ऊपर लाइव चलाएं, कैश मार्केट के ऊपर लाइव। ओके सो अगर आप लोग सब लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने रिव्यूज दीजिए हम लोग को ऐसा करना चाहिए या नहीं। ओके सो मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो बस यहीं तक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारे लेवल्स और टारगेट समझ में आए होंगे, कल के दिन क्या ध्यान देना है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर टुडेज वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। मिलते हैं आप लोग जल्दी अगले वीडियो।